गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्ट्रा। एसटीएफ गोरखपुर यूनिट को मिली बड़ी सफलता, 9 शातिर गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने 150 गौवंश व 5 ट्रक और नकदी किया बरामद। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के फुटहवा के पास से हुई गौ तस्करों की गिरफ्तारी। किसान दिवस के रूप में मनाया गया देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती। उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को किया गया सम्मानित। खोराबार थाना क्षेत्र में अवैध खनन के माफियाओं पर गिरी प्रशासन की गाज। एसडीएम सदर ने धंधे में लिप्त कई वाहनों को किया सीज, कहा अवैध खनन माफियाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई, किसी को भी नहीं जाएगा बख्शा। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण संबंधित बैठक, कहा स्वास्थ्य विभाग कर ले अपनी तैयारी पूरी, वैक्सीन मिलते ही शुरू होगा टीकाकरण। क्रिसमस पर्व के पूर्व जिला अधिकारी गोरखपुर द्वारा नगर निगम एरिया के लिए गठित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने केक व अन्य बेकरी उत्पादों के नमूने संग्रहित कर भेजा प्रयोगशाला जांच के लिए, कहा आगे भी जारी रहेगा यह अभियान। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने महानगर के टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष किसान दिवस के अवसर पर रखा उपवास। प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय सौंपा ज्ञापन, किसान कानून वापस लेने की मांग। किसान दिवस पर एनएक्सी परिसर में आयोजित हुआ जनपद स्तरीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी। विधायक संत प्रसाद ने कहा प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को मिल सकेगी नई तकनीकी की जानकारी, नए उत्पादों के प्रति होंगे जागरूक। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर किसान दिवस के रूप में मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। जिला अस्पताल में बेहतर हुई रैन बसेरा की व्यवस्था, तीमारदारों को कोरोना जांच कराने के बाद ही मिलेगा प्रवेश। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने कहा इमरजेंसी में लगे नए 3 हाइड्रोलिक बेड, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। गोरखपुर में बुधवार को मिले 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,780। अब तक 337 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 272 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। 8 सूत्रीय मांग को लेकर भारतीय संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने किया कार्य बहिष्कार, मांगों को पूरा करने की मांग। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा और संविदा चालक परिचालक कर्मचारी संघर्ष यूनियन के पदाधिकारियों की आहूत की गई बैठक, आगामी कार्यक्रमों की बनाई रणनीति। और फेमिना इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड आर्ट के तत्वाधान में फिदा प्रिंसेस पेपर ड्रेस शो का किया गया आयोजन, 16 डिजाइनर और 8 मॉडल छात्राओं ने किया प्रतिभाग।